वेलकम बैक अगेन टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज फिर जो है हम आपको एक और न्यू प्लान डिस्कस करते हैं जिसका फ्रंट 30 फीट और डेप्थ 40 फीट, दोनों तरफ से ही ये 30x40 रहेगा। इसकी रिक्वायरमेंट आपको एक बार बता देते हैं। एक इसमें पोर्च आना है, यहाँ पर एक ड्राइंग रूम, एक आपकी शॉप आएगी, ठीक है। ये कॉर्नर प्लॉट है, दो साइड इसमें रोड है, एक टॉयलेट आएगी, एक बेडरूम और दूसरा बेडरूम और तीसरा बेडरूम। तीसरा बेडरूम मास्टर बेडरूम रहेगा और दोनों बेडरूम कॉमन रहेंगे। एक किचन और स्टेयरकेस इस तरीके से इसमें प्लेस करनी है कि बाहर से ही वो जो है रेंटेड जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पर्सन रहते हैं उनके लिए यूज़ हो जाए और मेन एंट्री के भी पास रहे, ठीक है। तो इसकी जो डिटेलिंग है वो अब हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट साइड में इसमें 8 फीट 9 इंच बाई 16 फीट 7.5 इंच का हमने पोर्च दिया है। ये हमारा 8 फीट 9 इंच का मेन गेट आएगा। मेन गेट से आपका जो एंट्रेंस मिलता है पोर्च के लिए वो 8 फीट 9 इंच बाई 16.5 फीट मिलता है। पोर्च से आप जो है आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है ये स्टेयरकेस मिलती है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रही है। इसमें हमने घर के बाहर स्टेयरकेस दी है ताकि जो है हमें बेनिफिट मिले रेंटेड पर्सन के लिए। इसमें दो मेन एंट्रेंस होंगे, एक डायरेक्टली लॉबी में आपको लेके जाएगा और जो है डायरेक्टली आपको दूसरा ड्राइंग रूम में लेके जाएगा। तो पहले हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। इसका डोर जो है 3.5 फीट का रहेगा और ड्राइंग रूम में एक्सेस जब हम करते हैं तो 8.5x10.9 इंच का ड्राइंग रूम रहेगा। तो इसमें यू शेप में जो है सोफ़ा हमने यूज़ किया है और यहाँ पे आप LCD लगा सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको एक डोर लॉबी में खोलना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और आपको क्लोज करना है तो आप ये डोर यहाँ से हटा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो एक ड्राइंग रूम से डोर ये हमारा लॉबी में आता है और यहीं से ही जो हमारा मेन डोर जो खुलता है 3.5 फीट का, ये भी आपको लॉबी में लेके आता है। तो ये वाली लॉबी लगभग 9x9 फीट की लॉबी रहेगी। इस लॉबी से एक तो आपको ये डोर खुलता है 2.5 फीट में, 10x4.5 फीट की आपकी टॉयलेट मिलती है और इसका वेंटिलेशन बाहर से रोड साइड से होता है। लॉबी से ही हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट बेडरूम में, 10x9 फीट का ही आपको बेडरूम मिलता है और इसका भी वेंटिलेशन जो है राइट साइड रोड से हो जाता है। देन इसके बाद जो है आपका फिर 3.5 फीट का एक और डोर आता है और इसमें भी आपको 10x9.5 फीट का एक और बेडरूम मिलता है और इसका भी वेंटिलेशन राइट साइड में रोड से हो जाता है, ये हमारी विंडो आ जाएगी। और इसमें ओपन स्पेस जाल दिया गया है 2.5x4 फीट का। इसी से ही यहीं से लॉबी से ही 7x7 फीट के आपको किचन मिलते हैं जिसमें एल शेप में आपका स्लैब रहेगा और एक विंडो जो आपकी लॉबी की तरफ खुलती है। और इसके साथ आपके लेफ्ट साइड में मास्टर बेडरूम आ जाता है 10x3.5x14 फीट का, जिसमें हमें जो है एक वार्डरोब प्लेस करनी है, प्लस एक लेफ्ट साइड में बेडरूम बेड आएगा और उसके राइट साइड में LCD यूनिट आएगी। तो ये हमारा जो है डिटेल्स हो गई हैं 30x40 फीट हाउस प्लान की। और अगर आपका जो प्लॉट साइज़ है वो इसके जो है मिलता जुलता है तो आप इससे रेफरेंस लीजिए। और जो आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट शॉप इसमें बनानी है आपको या नहीं बनानी है तो आप इससे आइडिया लगाइए कि इसमें 3 BHK सेट बन सकता है, प्लस एक शॉप भी आ सकती है। और इसका शॉप का जो शटर रहेगा वो दोनों साइड से रहेगा, राइट साइड रोड से भी और फ्रंट साइड रोड से भी। इसका साइज 10x8.3 इंच रहेगा। तो अगर आप अपने लिए भी जो है प्लानिंग या डिज़ाइनिंग कराना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम इंस्टीट्यूट, टेक केयर, बाय बाय।